हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ओट्स से तीन तरीके की हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको भी ओट्स खाना पसंद है तो डेली ओट्स खाना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, आप ये तीन रेसिपी ट्राई कीजिए। बनाना भी काफ़ी आसान है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही चटपटा बनता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। ओट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ डिसानो ब्रांड के ओट्स का यूज़ किया है, काफ़ी अफोर्डेबल है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और आपको पता ही है ओट्स कितना हेल्दी होता है, आपको ज़रूर खाना चाहिए ओट्स। और इसमें 100% ओट्स है, कुछ भी एक्स्ट्रा मिक्स नहीं है, आप इस ब्रांड पे भरोसा कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा पैकेट फटा हुआ है, मैंने भी ट्राई किया है, मैंने भी बनाया, तभी मैं आपको बता रही हूँ। पैकेट पे रेसिपी भी दी हुई है तो आप उसे भी ट्राई करें, बहुत ही अच्छा बनता है, मैंने भी ट्राई किया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपीज़ को। सबसे पहले यहाँ ओट्स के खीर बनाएंगे, बहुत ही आसान है, मुश्किल से 5 मिनट लगता है बनाने में। 1 कप मैंने यहाँ दूध लिया है, दूध उबाल लें अच्छे से। दूध अच्छे से उबालने के बाद इसमें ओट्स डालेंगे, जितना आप ओट्स खाते हैं उसी हिसाब से डालें ओट्स। मैंने यहाँ 1/3 कप ओट्स डाला है, इसे हमें 2 से 3 मिनट पका लेना है मीडियम फ्लेम पर। अच्छे से मिलाते रहें, अच्छे से पक चुका है ओट्स, हटा लेंगे पैन को। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में मैंने यहाँ 1/4 कप ब्राउन शुगर लिया है। शुगर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वाइट शुगर की जगह आप चाहे तो ब्राउन शुगर लें, या फिर गुड़ भी ले सकते हैं, गुड़ का पाउडर या फिर उसके बड़े बड़े चंक्स भी आते हैं, आप उसको कद्दूकस करके यूज़ कर सकते हैं। वाइट शुगर से ज़्यादा अच्छा हेल्दी ऑप्शन है ये। हमें ब्राउन शुगर को हल्का सा कैरामलाइज कर लेना है, इसमें 1 से 2 मिनट लगेगा मीडियम फ्लेम पे, लगातार चलाते रहना है हमें। ब्राउन शुगर ले रहे हैं या फिर गुड़ भी ले रहे हैं तो इस प्रोसेस को करें, कैरामलाइज कर ले हल्का सा, टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा, सौंधा सा फ्लेवर आ जाएगा खीर में। सुबह में काफ़ी भाग दौड़ रहता है हम सबको, उसके लिए परफेक्ट रेसिपी है, 5 मिनट में तैयार भी हो जाता है और हेल्दी तो है ही, ज़रूर ट्राई करें। अगर आप एक बार इस खीर को खा लेंगे तो हमेशा बनाना चाहेंगे, इसका टेस्ट इतना अच्छा है। शुगर जो है वो कैरामलाइज हो चुकी है, और इसमें जो हमने ओट्स उबाल कर रखा था वो डालेंगे, अच्छे से मिला दें। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपको पतला पसंद है या फिर गाढ़ा पसंद है तो। अच्छे से मिला दें, देखिए अच्छे से मिल चुका है, कलर काफ़ी अच्छा आया है, देख सकते हैं, टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए ज़रूर ट्राई करें। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के साथ सर्व करें, और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर गाढ़ा कर ले रही हूँ। ओट्स की खीर तैयार है 5 मिनट के अंदर, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसे ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स के साथ खाएं, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही आसान रेसिपी है। चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, ये है ओट्स वेज कटलेट। ओट्स लिया है मैंने यहाँ पे 1/3 कप, इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालेंगे, हल्का सा हमें ओट्स को भिंगा लेना है, इसे फुला लेना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। देख सकते हैं जो मैंने डिसानो ब्रांड के ओट्स का यूज़ किया है, काफ़ी अच्छे इसके ओट्स हैं, जो चंक्स से काफ़ी अच्छे हैं, बड़े से हैं, इसमें ज़्यादा पाउडर टाइप नहीं है, ज़्यादा इसमें वेस्ट नहीं निकलता है। ओट्स जो हमने भिंगो कर रखा था उसे हमें 3 से 4 मिनट तक भिंगो कर रख लेना है। इसके बाद इसमें कटे हुए सब्जियां डालेंगे, सब्जियां आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अपने अनुसार यूज़ करें, और थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करें, उससे कटलेट जो है वो हेल्दी भी बन जाएगा। 1 उबला हुआ आलू डालेंगे कद्दूकस करके। सब्जियां जो हमने यूज़ की है इसे हमें फाइनली चॉप कर लेना है, बिल्कुल बारीक काटना है, थोड़ा सा भी मोटा होना नहीं चाहिए, नहीं तो कटलेट फ्राई करते वक्त कटलेट टूट सकता है। मसाले डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। सब्जी में मैंने मिर्च भी रखा था, 1 मिर्च रखा था, आप अपने अनुसार मिर्च रख सकते हैं, मिर्च को भी मैंने साथ में चॉप किया था सब्जी के साथ। अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, ओट से इसलिए इसमें कुछ भी बेसन या फिर मैदा डालने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। आसानी से देख सकते हैं कि बाइंड हो जा रहा है, मैदा बेसन ये सब का जरूरत नहीं है, किसी भी शेप में आप कटलेट बना सकते हैं।
तेल गरम कर लेंगे, कटलेट डालेंगे। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। इसमें सारे हेल्दी चीज़ पड़ी है, ओट्स है या फिर सब्जियां हैं, सब्जियां भी हमने ज़्यादा डाला है और इसे बनाने में भी ज़्यादा देर नहीं लगा है, मुश्किल से 5 मिनट। देखा आपने, तैयार है इसे चटनी के साथ परोसे वेज कटलेट। थर्ड रेसिपी है वेजिटेबल मसाला खिचड़ी। इसमें भी हमने सारी हेल्दी चीज़ें ही यूज़ की है। तेल डाला है हमने, 1 से 2 टेबलस्पून तेल लें, उसमें 1 कटा हुआ प्याज डालेंगे, उसे हल्का सा ब्राउन कर लें। 1 बारीक कटा हुआ लहसुन हल्का सा भून लें। 1 कटा हुआ टमाटर डालेंगे, हल्का सा भून लें सॉफ्ट होने तक। चलाते रहना हमें। तीनों रेसिपी हमने काफ़ी हेल्दी बनाई है, सब चीज़ काफ़ी हेल्दी यूज़ किया है, तो आप ज़रूर ट्राई करें और आसान भी है, जल्दी बनने वाला भी है। कटी हुई सब्जी डालेंगे, सब्जी हमने बारीक ही रखा है ताकि ज़्यादा देर पकाना ना पड़े। कोई भी सब्जी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। सब्जी डालने के बाद हमें 1 से 2 मिनट पका लेना है, बारीक कटा हुआ है इसलिए जल्दी पक भी जाएगा सब्जी। मसाले डालेंगे, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टेबलस्पून जीरा पाउडर और 1/4 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 हरी मिर्च। आप मिर्च अपने हिसाब से रख सकते हैं, पसंद ना हो तो स्किप करें। 1 से 2 मिनट तक हमें ढककर पकाना है, सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जानी चाहिए। कलर काफ़ी अच्छा आया है देख सकते हैं। पानी डालेंगे, 1 कप मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। पानी को थोड़ा सा उबलने देंगे, उसके बाद इसमें ओट्स डालेंगे। अच्छे से उबल चुका है, ओट्स डालें, मिला दें। पानी कम लग रहा है और मैं यहाँ 1/2 कप पानी डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा ओट्स पके। ओट्स डालने के बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट पका लेना है, ढक दें। देखा आपने कितनी जल्दी मसाला खिचड़ी भी तैयार हो गई। धनिया पत्ता डालेंगे लास्ट में, गैस ऑफ कर देंगे। वेजिटेबल मसाला खिचड़ी तैयार है, गर्मा गर्म इसे सर्व करें। अगर आपको ये तीनों रेसिपीज पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।